हमने कल आपको हमारी खबर में दिखाया था कि नीमच का खाद्य मौजदी प्रशासन होतावलेपन में कार्रवाई कर रहा है और गंभीरता कम दिखा रहा है। उसका यह नतीजा है कि आज इस कार्यालय के दिन में ही ताला लगा था और हाई वाट के बिजली के बल्ब और पंखे चालू थे। जब हमने इसका पूरा कवरेज किया और इस पूरे मामले से हमने मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी को अवगत कराया तो उन्होंने कार्रवाई की बात की और इसे वाकई गलत और बिजली का दुरुपयोग बताया। जहां प्रदेश में आम जनता व गरीब वर्ग बिजली के बिलों की मार से परेशान है, वहां ऐसे लापरवाह अधिकारी और लापरवाही कार्यालय के प्रभारियों को बिल्कुल भी चिंता नहीं है, जो बिजली व्यर्थ में जल्दी छोड़कर चले जाते हैं। आखिर ऐसी भी क्या कार्रवाइयाँ की जाना कि यहाँ पर शासन को बिजली विभाग का चूना लगा रहे हैं। और उधर ताले पर जब हमने खुलवाया तो वहाँ से एक व्यक्ति हमारे साथ आया और उसने मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी के कहने पर ताला खोला और देखा तो वहाँ पर वाकई बिजली का बल्ब जलता और पंखा चलता पाया गया। तो ऐसे लापरवाहियों पर आखिर क्या कार्रवाई होना चाहिए? वाकई शर्मसार कर देने वाले इन दिनों हालात चल रहे हैं खाद्य मौजदी प्रशासन के। नीमच से पुलिस पंचायत के लिए संजय गौड़ की विशेष रिपोर्ट। बनाया गया खाद्य मौजदी प्रशासन का जो कार्यालय है, हाँ, उस कार्यालय में सर ताला लग रहा है और कम से कम सर 500 वाट से भी ज़्यादा का बल्ब जल रहे हैं, पंखे चल रहे हैं, ताला लगा है और बिजली का व्यर्थ हो रही है। जबकि सर प्रदेश में हालत है, किसान बिजली को लेकर आत्महत्या कर रहे हैं बिजली बिल, और यहाँ सर खाद्य मौजदी प्रशासन में ऐसा मतलब दुरुपयोग हो रहा है लाइट का, आप अभी दिखवा सकते? जारी करूँगा ऐसा क्यों मतलब सर? पंखे चल रहे हैं।